नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कावेरी बैनर्जी, एडवांस फर्टिलिटी और गायनी सेंटर से बोल रही हूं। आज मैं आपको कोविड-19 के बारे में बताने वाली रही हूं। कोविड-19 क्या है, इसकी सिवियरिटी क्या है, ये कैसे स्प्रेड होती है, इसके सिम्टम्स क्या है और कौन सी ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल है। कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अभी नया वर्ल्ड में डिस्कवर हुआ है। करीब दिसंबर जनवरी से चाइना में स्टार्ट हुआ था, वुहान प्रोविंस से। अब वहाँ से ये सारे वर्ल्ड में फैल चुका है। इसको अभी एक महामारी का रूप दिया जा रहा है। यूरोप और अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक सारी दुनिया में 18 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं और 1 लाख की मौत हो चुकी है इस डिज़ीज़ के कारण। ये वायरल इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है? ये या तो ड्रॉपलेट, जैसे आप खांसते हैं, छींकते हैं, उसमें ये वायरस होता है, किसी के ज़्यादा करीब रहने से या टच से ये स्प्रेड होता है। इसके लक्षण क्या है? ये एसिम्टोमेटिक, यानी किसी लोग में इसके कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, पर अधिकतर लोगों को बुखार, खांसी, गले में खराश, पेट में दर्द या डायरिया, स्मेल में प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, ये सब भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स को काफ़ी सीवियर इलनेस, जिसको सार्स कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी होता है। इसका मतलब उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और कुछ पेशेंट्स इससे मर भी जाते हैं। ये सारे एज ग्रुप्स में अफेक्ट करती है, पर कुछ पॉपुलेशन हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल, यानी उनको ये ज़्यादा हो सकती है ये कोविड की बीमारी। ये कौन है? ये बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब जिनकी इम्यूनिटी या बीमारी सहने की क्षमता कम हो। ये किसी पेशेंट्स में ऐसी बीमारी होती है, कुछ पेशेंट्स स्टीरोइड्स में होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो ये जो सब ग्रुप है इनको ये ज़्यादा हो सकती है। हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इससे हम कैसे अपने आप को बचाएं। अभी तक तो आप स्टे एट होम, स्टे सेफ। नमस्ते।